साइंस से खड़े मैं हूं विकी यादव और आज डिफरेंशिएशन का इंप्लिसिट फंक्शन का क्लास होगा। इससे पहले एक्सरसाइज 10A 10B आरएस अग्रवाल का जिसमें था डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन मींस कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए और सेकेंड था लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब उसमें बच जाता है एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे उसको बना चुके थे और मैसेज कर रहे थे कि सर पहले इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाइए, तो पहले इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले तो ये हम लोग जाने कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं। तो दो तरह का फंक्शन है, दोनों का एक साथ हम बताते हैं। एक है इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, और इससे पहले जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे वो था एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोग जो पढ़े वो कैसा दिया हुआ रहता था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, मींस y और x दोनों सेपरेट किया हुआ रहता था। लेकिन इंप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें x और y दोनों वेरिएबल एक साथ होगा। मींस इंप्लिसिट फंक्शन का अगर डेफिनेशन बोले तो क्या हो जाएगा कि एक इक्वेशन ऐसा है जिसमें x और y दोनों वेरिएबल एक साथ होगा, या बोलिए y को x के फॉर्म में कन्वर्ट जनरली नहीं कर पाएंगे या आसानी से नहीं कर पाएंगे, या तो रूट आ जाएगा या फिर लॉग लगाना पड़ेगा। मींस y इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x। सपोज इस तरह का अगर आ जाए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3, यहां से अगर y इक्वल टू x के फॉर्म में यहां पर लिखिए y इक्वल टू इस तरह से लिख पाएंगे, यहां पर कितना भी कोशिश कीजिए रूट लगाइए लॉग लगाइए कुछ भी, यानी y को x के फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। फिर से एक बार समझते हैं, कोई फंक्शन दिया हुआ है x और y दोनों वेरिएबल एक साथ होगा, या तो कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकता है कोई वेरिएबल भी हो सकता है, x और y के फॉर्म में होगा, तो ऐसे इक्वेशन को ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। लेकिन जब y को x के फॉर्म में ही लिखा हुआ रहता है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएशन जो था एक्सप्लिसिट फंक्शन में, x को डिफरेंशिएट करते थे तो होता था 1, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे तो हो जाता था 2x, और फिर से x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है तो इनटू 1 अगर करेंगे भी तो अभी तो 2x ही होगा। dy dx x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर से x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, अगर 1 लिख के दिखाएं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। 1 क्यों लिख रहे हैं यहां से समझ में आएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy अपॉन dx ही रहेगा। लेकिन dy dx y स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ठीक वैसे ही करेंगे जैसे x स्क्वायर का किए, 2x आया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा। यहां पे x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ था, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, लेकिन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy / dx होता है, तो y स्क्वायर का 2y हो गया और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy / dx। यदि ऐसा हो y क्यूब हो इसको डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy / dx। इसी तरह से हम लोग y को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं इंप्लिसिट फंक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन को लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। अब यहां से लिखा हुआ रहेगा फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, यहां से डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स लिखा हुआ नहीं है तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y का डिफरेंशिएशन dy by dx, प्लस यहां पे u into v के फॉर्म में, x into y है, u into v के फॉर्म में, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा, प्लस y को सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब हमको निकालना है dy by dx, फाइंड dy by dx है, पहले जो इक्वेशन सॉल्व करते थे हम लोग, जैसे मान लीजिए 2x plus 3 equals to x minus 4 है, ठीक है? अब यहां से अगर x निकालना तो कैसे निकालते, तो x को एक तरफ रखते थे पहले, जैसे यहां पे 2x है, x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा minus x equals to minus 4, और 3 को ले जाएंगे राइट साइड तो हो जाएगा minus 3, तो यहां से हो जाएगा x equals to minus 7, ठीक? यहां पे dy by dx निकालना है, तो जिस फंक्शन को निकालना है, जो चीज निकालना है, उसको क्या करते हैं, LHS में छोड़ेंगे, बाकी टर्म को RHS में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y dy by dx plus x into dy by dx equals to, इस 2x को इधर ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा minus 2x, y को इधर ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा minus y, यहाँ पे dy by dx दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2y plus x equals to minus 2x minus y, यहाँ से dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये into में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आप चाहें तो साथ में एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x plus y divided by 2y plus x या x plus 2y, दोनों सही है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का और भी एग्जांपल देखते हैं, कैसा एग्जांपल होगा, सपोज x square plus y square equals to 4, यहां से आपको लगेगा कि सर एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप इसको जैसे बना सकते हैं, बस एक सोचिए ऐसा कि इक्वेशन गिवन है और एक्स वाई दोनों के फॉर्म में है, तो आप जैसे भी बनाइए आंसर एक ही आना है। यहां से हम दोनों मेथड से बनाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड से बनाते हैं, ये मान के कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक इक्वेशन है, एक्स वाई दोनों वेरिएबल एक साथ है, तो एक लाइन पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सभी क्वेश्चन में लिखना ये चीज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y, और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो हो जाएगा dy by dx, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, यहां से 2y dy by dx equal to, इस 2x को राइट साइड ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा minus 2x, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना dy by dx equal to minus x, ये into में है तो इधर आएगा तो divide हो जाएगा, तो dy by dx का value कितना हो गया minus x by y। अब इसी question को second method से बताते हैं, method 2, कि अगर कोई सोचे कि ये explicit function में अगर बनाए तो कैसे बनता ही question, question था x square plus y square equals to 4, कोई student ऐसा भी सोच सकता है कि सर हम y को इसको यहां से निकाल सकते हैं, हां निकाल सकते हैं और बना भी सकते हैं और आंसर भी आएगा और सेम आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 minus x स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, y का वैल्यू निकालना चाहता है निकालिए, स्क्वायर है राइट साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 4 minus x स्क्वायर रूट के अंदर में होगा, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वही बात लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, अब यहां से explicit function दिख रहा हो आपको, ठीक है, root का differentiation क्या होता है, अगर हम direct बनाएं, chain rule में अगर तोड़ के बोलिएगा तो chain rule में तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन chain rule हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए direct इसको बना लेते हैं, यहां पे dy dx लिखेंगे सबसे first में, root under 4 minus x square, और अगर इसको हम direct बनाएं तो root का differentiation कितना होगा, 1 by 2 root under 4 minus x square, और रूट के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, कंपोजिट फंक्शन है 4, 4 कांस्टेंट है 0 होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन किए, रूट का 1 by 2 रूट, उसके बाद रूट के अंदर वाले का फंक्शन यहां डिफरेंशिएट किए, तो ये हो जाएगा 1 by 2 रूट अंडर 4 minus x स्क्वायर, और ये है आपका minus 2x, यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा minus x, और ये रूट अंडर 4 minus x स्क्वायर को y लिख सकते हैं क्या, अब बताइए दोनों आंसर सेम है या अलग है, सेम आंसर है, इसीलिए
जब भी आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएं, अगर एग्जाम में दिया हुआ हो तो आप जैसे बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट बन रहा डायरेक्ट बनाइए, वाई के फॉर्म में निकाल सकते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन में, वाई इक्वल टू एक्स के फॉर्म में, तो ऐसे बनाइए। आंसर दोनों सही है, मर्जी आपका, जैसे बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी वही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप जैसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, और यही क्वेश्चन आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा। दोनों का क्वेश्चन का आंसर अलग अलग, जबकि क्वेश्चन सेम है। ठीक है, हम दोनों मेथड से बना के दिखाते हैं। मेथड फर्स्ट है कि इसको डायरेक्ट बना लेते हैं हम लोग, यू इंटू वी के फॉर्म में इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे एक लाइन पहले, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाय डी एक्स एक्स इंटू वाई डी बाय डी एक्स सी स्क्वायर। डी बाय डी एक्स लिखना चाहिए क्योंकि आप अपने मन से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये अलग बात है आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिखे हैं, लेकिन एक बार लिख लेना चाहिए डी बाय डी एक्स दोनों तरफ। अब जा करके हम लोग यहाँ पे यू इंटू वी के फॉर्म में बनाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को रहने देंगे, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकेंड में क्या है, y है, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड को रहने देंगे x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। यहां से dy बाई डी एक्स निकालना, जिस फंक्शन को निकालना होता है उसको LHS में छोड़ते हैं, बाकी टर्म को RHS में ले जाएंगे। यहां से निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, आरडी शर्मा में यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन आर एस अग्रवाल में ऐसे लिखा हुआ आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, यहां से वाई निकाल लिया, यहां से वाई अगर निकाले हम लोग तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाय एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। वाई का वैल्यू पुट किए हम सिर्फ, वाई का वैल्यू सी स्क्वायर बाय एक्स का वैल्यू पुट किए, एक्स नीचे में है कुछ नहीं तो 1 है डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करते हैं 1 इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। आर एस अग्रवाल में ये आंसर दिया हुआ, लेकिन आंसर दोनों बिल्कुल सही है, आप एग्जाम में कोई भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाएं हम लोग, वो मेथड है एक्स वाई इक्व टू सी स्क्वायर, कोई चाहे तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में इसको पहले कन्वर्ट करेगा। कैसे, वाई इक्व टू सी स्क्वायर बाय एक्स, वाई को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। जब कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx और dy बाय dx c स्क्वायर बाय x, यहां पे c स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कीजिए तो हो जाएगा dy बाय dx 1 बाय x c स्क्वायर। 1 बाय x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर। फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं ये सब चीज, जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख लें, उसके बाद ये देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा समझ में आपको आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, देखिए एक बार में आ गया ये आंसर। तो दोनों आंसर सही है, आप जिस भी मेथड से बनाइए कोई दिक्कत नहीं है कि ये मेथड अच्छा है और ये मेथड खराब है, ऐसा कुछ नहीं, जो आपको अच्छा लगे उसी मेथड से आप बना लीजिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो जनरली हर बुक में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, सभी किताब में आपको मिल जाएगा ये सवाल, और इसको बनाना है यानी dy बाय dx निकालना है, तो यहां भी आप वही काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिएगा दोनों साइड, या y को x के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कीजिए उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए। लेकिन आंसर तो अभी तक हम लोग दिखा रहे थे सेम ही आ रहा था, इसीलिए हमेशा दो मेथड बनाना जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं वो थोड़ा ईजी होता है। तो यहां पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे हो जाएगा डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डी बाय डी एक्स 1। अब डी बाय डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो डी बाय डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे तो हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर डी वाई बाय डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर है, अब 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो 1 बाय ए स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलिए, 2x हो जाएगा, प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, और y का dy बाय dx। अब dy बाय dx निकालना हमको, इसको इस टर्म को यहीं पे छोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y बाय बी स्क्वायर इंटू dy बाय dx, इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 2x बाय ए स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर बाय वाई होगा कि नहीं, बी स्क्वायर बाय वाई। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस, कॉन्स्टेंट पहले लिखना चाहिए, बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर वाई। अब इस क्वेश्चन को आप जैसे ही बनाइए आंसर लेकिन यही आना है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली सब बुक में दिया हुआ है और इसके पीछे और भी कुछ कारण है जो हम बताते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम दिखाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी यूज करके बना सकते हैं और उसको चाहें तो इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में भी बना सकते हैं। सभी बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 8 में मिलेगा और आर डी शर्मा में भी एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 में मिलेगा और दोनों का आंसर लगभग सेम ही दिया हुआ है, बस एक जगह कॉमन लिया एक जगह कॉमन नहीं लिया। ठीक है, तो आंसर को ज्यादा देख करके परेशान नहीं होना है। सभी बुक में आंसर थोड़ा सा कभी कॉमन ले लेता है, एक स्टेप आगे पीछे छोड़ता है, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर यहीं से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कीजिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिए एक्स टू दी पावर 4, प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई टू दी पावर 4, प्लस 2ab। यहां तक सही है? अब डिफ्रेंशिएट करना पहले से थोड़ा इजी है। अब यहां पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स एक्स वाई। अब यहां पे प्लस है, डी वाई डी एक्स अंदर जाएगा और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डी वाई डी एक्स एक बार ब्रेक कर लेते हैं उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स वाई टू दी पावर 4, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालते हैं, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक ही साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसलिए इसको एज इट इज छोड़ते हैं अभी फिलहाल। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x क्यूब, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 4y क्यूब और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy / dx प्लस 2 u * v के फॉर्म में। फर्स्ट को रहने देंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy / dx प्लस सेकेंड को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, u इंटू वी के फॉर्म में। तो फर्स्ट को एज इट इज छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस सेकेंड को एज इट इज छोड़ेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब dy / dx प्लस 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर y dy / dx प्लस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4xy स्क्वायर इक्वल्स टू x dy / dx प्लस y। अब निकालना आपको क्या था, dy / dx निकालना है, तो dy / dx वाले जितना भी टर्म है सारे को LHS में रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 4y क्यूब dy / dx प्लस 4x स्क्वायर y dy / dx, इसको LHS में ले जाएंगे तो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बाकी टर्म को RHS में ट्रांसफर करते हैं, ये तो पहले से ट्रांसफर है, इसको ट्रांसफर कीजिए तो जाएगा माइनस 4x y स्क्वायर और एक बच गया यहाँ पे तो जाएगा माइनस 4x क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब dy बाई डी एक्स सब में से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4y क्यूब
प्लस, आवाज सही है, प्लस 4x² y माइनस एक्स, y माइनस 4xy² माइनस 4x³। यहां से निकालना है dy by dx ना, तो लिखते हैं एक लाइन यहां पे, dy by dx इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4xy² माइनस 4x³ डिवाइडेड बाय 4y³ प्लस 4x² y माइनस एक्स। और यही आंसर आरएस अग्रवाल में दिया हुआ है, लेकिन आरडी शर्मा क्या किया है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल किया है और कुछ कॉमन जो आ रहे, जैसे यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 4y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया है, दोनों सही है आंसर। ठीक है, परेशान नहीं होना कि सर आंसर कभी मिलता कभी नहीं मिल रहा है, एक बुक में कुछ और आंसर दिया दूसरी बुक में कुछ और आंसर दिया है, आप dy / dx सही सलामत निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमन लीजिए ना लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो cot xy plus xy equals to y, या आरडी शर्मा में साइन xy लिखा हो, जनरली हर बुक में ऐसा एक क्वेश्चन होता है, इसको बनाना है, dy / dx निकालना है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब कहीं पे y इधर लिखा हुआ है 2y लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है बस समझ जाइए कैसे बनाना है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, बहुत क्वेश्चन हो सकता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy dx cot xy plus xy equals to dy dx y, यहां तक सही है। अब cot का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, चलिए एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, dy dx cot xy प्लस dy dx xy, और ये तो dy / dx दिख रहा है पहले से ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये y इधर भी हो सकता है माइनस y, उससे कोई, यहां पे क्या होगा, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर xy, और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, कंपोजिट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा u into v के फॉर्म में, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकेंड को एज इट इज छोड़ेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस यहां पे u into v के फॉर्म में। अब ये कैसे बनेगा, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकेंड को एज इट इज छोड़ेंगे, सेकेंड में y है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, सामने में है dy / dx। अब यहां पे हो जाएगा माइनस, इसको अंदर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स वाई, एक्स है ना, एक्स को पहले लिख लेते हैं, इंटू dy / dx माइनस y cosec स्क्वायर एक्स वाई प्लस x dy / dx प्लस y इक्वल्स टू dy / dx। अब हमको निकालना dy / dx, तो dy / dx वाला टर्म एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, सबको एक साथ रखना है, LHS में रखना है, तो यहां पे हो जाएगा dy / dx को कॉमन ले लें, पहले एक स्टेप बच जाएगा, माइनस x cosec स्क्वायर एक्स वाई, और यहां पे dy / dx कॉमन लिए तो x बचा, इसको LHS में छोड़ेंगे तो माइनस 1 होगा, इक्वल्स टू इसको राइट साइड ले जाइए तो जाएगा y cosec स्क्वायर एक्स वाई, y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस y, सही है। अब एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ट्रिगोनोमेट्री का लग रहा है, और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पिछला लेक्चर में ही ट्रिगो का एक दिए थे, वहां पे प्रूफ भी किए हुए हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, जो ट्रिगो नहीं देखे लेक्चर वो लोग देख लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला याद करना है लेकिन समझ के याद करना है, हम उसको प्रूफ करके दिखाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, उस लेक्चर को पहले देख लें आप लोग अगर नहीं सीखे हैं तो। यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस एक्स जैसे ही कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, ये माइनस 1 कौन है, ये वाला माइनस 1 नहीं है, एक्स कॉमन लिए थे तो 1 बचा, माइनस कॉमन लिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1 अलग से है। अब यहाँ पे y कॉमन लेंगे,
तो बचेगा क्या cosec स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, बताइए तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है एक्स वाई है और ये माइनस वन अलग से है तो इसको अलग से लिख लें पहले, और ये y सेम चीज यहां पे लगेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन cot स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है एक्स वाई है। ठीक, अब यहां से dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx निकालेंगे, ये इंटू में है इधर ट्रांसफर करते हैं तो जाएगा y cot स्क्वायर एक्स वाई, ब्रैकेट ले सकते चाहे तो, और ये दोनों जगह माइनस है, माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं तो जाएगा x cot स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, अभी माइनस को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स का आंसर कितना आया, आया माइनस वाई cot स्क्वायर एक्स वाई एक्स cot स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन। बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें, किसी भी बुक से आप लोग बनाते हैं, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, या आरडी शर्मा हो, या कोई और भी रेफरेंस बुक आप 12 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बुक से बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। हम पूरा फंक्शन को, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिस्कस किए, तो इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप पहले ट्राई कीजिए, बनाइए, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस टाइप का क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, जितना टाइप का क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन में हो सकता है सारा टाइप हम बताएंगे, किसी भी बुक से बनाइए आपका क्वेश्चन बनेगा पक्का, इतना विश्वास रखिए। यहां से यू वी डब्ल्यू कितने तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं पहले तो ये समझिए, उसके बाद बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं, इसको यू मान लीजिए दोनों फंक्शन को, और इसको भी मान लीजिए, एक तो ये से बना सकते हैं। सेकेंड, आप इसको सिर्फ x को u मानिए, आप पूरे को भी मानिए, ऐसे भी बनेगा, या आप चाहें तो इसको u मानिए, इसको भी मानिए और इसको w मानिए, उससे भी क्वेश्चन बनेगा, और आप मेरा बात मानिए तो आप ऐसे कि लेफ्ट हाथ में जो है बायां हाथ में तीन थैला रखे हुए हैं और दायां ऐसे ही खाली मार्कर है सिर्फ इसमें, मान लीजिए और जा रहे मार्केट से, तीन थैला का वजन बहुत है, अच्छा क्या होगा एक थैला को कम से कम इस राइट हाथ में दे दें ताकि वजन थोड़ा सा कम से कम बैलेंस हो। आप चाहें तो यू वी डब्ल्यू है, इधर से तीन तीन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक साथ, इधर से वन का डिफरेंशिएशन जीरो, बहुत आसान हो जाता है, उससे अच्छा होगा, सबसे अच्छा मेथड है कि आप इस एक फंक्शन को कम से कम इधर ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन बाय एक्स, दाया हाथ में दे दिए एक फंक्शन को। अब यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में है, अब u इंटू वी के फॉर्म में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप सभी को आता होगा, अच्छे से डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे अच्छे से u इंटू वी के फॉर्म में, तो लिखेंगे सबसे पहले डी वाई डी एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स वन बाय एक्स। यू इंटू वी के फॉर्म में फर्स्ट को एज इट इज रखिए, सेकेंड को डिफरेंशिएट कीजिए, तो जगह लॉग x प्लस वाई प्लस सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट में क्या है dy वाई बाय डी एक्स, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना है log के अंदर वाले फंक्शन का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, कंपोजिट फंक्शन था, प्लस log x प्लस y, यहाँ तो dy बाय dx पहले से लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं अच्छे से, ये सच में क्या है, ये है y बाय x प्लस y, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बाय x प्लस y रहेगा, प्लस इस फंक्शन को dy बाय dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा y बाय x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल्स टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। राइट साइड ट्रांसफर कीजिए तो जाएगा माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। अब एलसीएम लीजिए एलएचएस में, एलसीएम लीजिए इसका, कुछ नहीं तो वन है डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और यहां पे हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, यहां भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे इसको और बचेगा कितना यहां पे डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस कॉमन लेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ठीक है, दो मिनट का क्वेश्चन नहीं है कि तुरंत से बना दें और तुरंत समझ में आ जाए। इम्प्लिसिट फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छे से बनाने के बाद आप एक कोई भी बुक निकालिए, एक्सरसाइज को कम से कम 20-25 क्वेश्चन बनाइए यहाँ से, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं पहले इसको रिविजन कीजिए फिर आप बुक से बनाइए, सारा डाउट खत्म हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब यहाँ पे क्या था, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई, ये आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसा हो टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई और वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई ठीक है। अब टेन का तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस देंगे y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा x का 1 y का हो जाएगा dy by dx और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहां पे इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर x प्लस y प्लस इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहां से डी वाई बाई डी एक्स है, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों जगह कॉमन लेंगे यानी इसको यहीं पे छोड़ेंगे, दोनों टर्म को आर एच एस में ट्रांसफर करते हैं तो यहां पे बचेगा क्या एल एच एस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बाद में। दो टर्म बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, दोनों को क्या करते हैं राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आएगा ठीक है, और यहां भी दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक बार में अच्छा होगा तो माइनस यहां भी कॉमन ले लीजिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस कॉमन लीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब यहां से माइनस और माइनस कैंसिल करेंगे, माइनस कॉमन क्यों लिए,
कोई ये सोच रहा होगा, अरे यहाँ पे माइनस अभी कितना दिख रहा है, 1, 2, 3, अब कितना दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है, इसलिए माइनस जितना कम हो उतना अच्छा होता है। यहाँ से डीवाई बाई डीएक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस वाई। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जनरली सब बुक में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन था अटेन भी हो जाएगा इसी बहाने, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू 8 to the power 2/3। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आप लोग या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके उतार लीजिए, बना लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स, आप चाहें तो डी वाई डी एक्स नहीं भी लिख सकते, ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिखना है, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ए टू द पावर 2/3। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना सारे बच्चे को। यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2/3, स्टेप जंप नहीं कर रहे हैं, सारा स्टेप लिख रहे हैं हम 2/3, और एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ए टू द पावर 2/3, चाहे तो आप जीरो भी लिख सकते थे यहाँ पे। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2/3 और पावर में से 1 माइनस करेंगे, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाए, प्लस यहाँ पे पावर लिखना है और पावर में से 1 माइनस करेंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, y का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता, डी वाई बाय डी एक्स होता और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर माइनस 1/3, यहाँ पे 3 आएगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस 1, प्लस 2/3 वाई टू द पावर माइनस 1/3 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0, 2/3 वाई टू द पावर माइनस 1/3 डी वाई अपन डी एक्स, इस फंक्शन को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा माइनस 2/3 एक्स टू द पावर माइनस 1/3, 2/3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स बच जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 वाई टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है। अब आंसर तो आ गया लेकिन पावर क्या है, नेगेटिव है ना दोनों जगह, तो क्या करते हैं हम लोग, पावर नेगेटिव है ऊपर ट्रांसफर करेंगे, ऊपर ले जाइए तो जाएगा पावर पॉजिटिव, यहाँ पे पावर नेगेटिव है 1/3 है, डिनोमीटर में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आप चाहें तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं और दिया हुआ है बुक में आंसर, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों पे पावर सेम है तो लिखेंगे y by x होल टू द पावर 1/3। अब आप लोगों को जो बच्चे इंटीग्रेशन बना रहे हैं, इंटीग्रेशन का भी हम लेक्चर बहुत जल्द डाल रहे हैं, ठीक है, अपलोड कर देंगे, बस जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बनाए थे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना लें पहले, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन पढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।